नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम अलेवन मनी में। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं जो मैच को कवर करने वाला हूँ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो सुपर नोवाज वर्सेज यहाँ पे वेलोसिटी के बीच में कल मैच खेला जाएगा, ओमेंस का आईपीएल के तर्ज पे जो फाइनल मैच खेला जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। प्लेइंग अलेवन इंपॉर्टेंट प्लेयर जो बेस्ट हो सकते हैं आपको, और प्लेइंग अलेवन के हिसाब से मैं आपको ड्रीम अलेवन टीम भी दिखाऊंगा, बल्लेबाजी टीम। उसके बाद आप देख सकते हो मैं फैंटेसी पावर पे हूँ, इसका भी टीम आपको कवर कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा और वीडियो भी सबसे पहले देखने को मिलेगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके बाद बहुत सारे मैचेज हैं, उसके बाद आयरलैंड इसका है। मैं आपको नेक्स्ट मैच इसको भी कवर करने वाला हूँ, अगर आपको लगता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, 10 कमेंट आएंगे तो मैं इसका सुबह में आपको कवर कर दूंगा। बाकी टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको ज़रूर कवर करने वाला हूँ कुछ मैचेज, इसका आपको बेस्ट प्लेयर के बारे में बात करेंगे। बाकी पिच कंडीशन क्या हो सकती, क्या प्लेयर परफॉर्मेंस कर सकते, जो पावर जो यहाँ पे पिक क्या हो सकती है, तो इसके बारे में फुल्ली बात करेंगे। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग फैंटेसी पावर पर अभी नहीं जुड़े हो, खेलना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बात करूँ तो 1200-1500 आराम से विन करके लेके जा सकते हो, लो कंपटीशन है आपके लिए। यहाँ पर 100% ऑफर चल रहा है, कैशबैक ऑफर चल रहा है, 500 डिपॉजिट में 500 कैशबैक। यहाँ पर बात करूँ तो मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। क्रेडिट पॉइंट मेंटेन करना बहुत ही आसान है, ड्रीम अलेवन में आपको बहुत भारी पड़ता है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने टीम रखा है, यहाँ पे सुषमा वर्मा, उसके बाद चमारी अट्टापट्टू, मिताली राज हैं, जमीमा रोड्राइजर्स, हेली मैथ्यूज, डेनियल एट, ये एक ऐसी फॉरनर प्लेयर हैं जो इंडिया में बहुत अच्छी खेलती हैं। उसके बाद सूफी डिवाइन है, अमीला केर हैं, एकता बिष्ट, उसके बाद यहाँ पे पूनम यादव, जहान आलम। बट मैं आपको सेफ और बेस्ट की मैं बात करूँगा यहाँ पर, उससे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कैश बोनस का भी यहाँ पे 100% यूजेबल भी हो जा रहा है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, खेलना स्टार की मैं आपको कवर करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, अगर आप लोग नहीं जुड़ पाए हो तो जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। काम नहीं करोगा तो आप सीधे गूगल पर सर्च कर लीजिए या टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट सर्च करिए, ड्रीम टू टीम ड्रीम अलेवन मनी के नाम से आएगा, वहाँ पर आप जाइए, जुड़ जाइए। एंड टाइम में कोई न्यूज, इंजरी, टीम वगैरह सब कुछ अपडेट कर देता हूँ, तो वहाँ पर जाइए इंजॉयमेंट के लिए, बेहतर एक अच्छा है टेलीग्राम, तो वहाँ पर जुड़ जाइए। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं पिच कंडीशन की बात करूँ तो सिवाय मानसिंह स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है, जयपुर में स्पिन को थोड़ी मदद कर रही है, तो हमें अब देख सकते हो बैटिंग फ्रेंडली है पिच, बट ओमेंस का मैच है तो वह यहाँ पे वही 140 के, 100 मैक्सिमम 150 के आसपास ये जाने वाला है। कल के मैच में थोड़ा सा स्कोर मेरे हिसाब से हो सकता है 150 के आसपास रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, विकेट भी गिरेंगे। आपने लास्ट मैच देखा होगा तो सिर्फ और 3-3 विकेट गिरे थे, रन भी कुछ खासा नहीं, 130 यही आसपास था। बट हम थोड़ा सा अपने बेस्ट प्लेयर के साथ जाएंगे, यहाँ पे एवरेज आप देख सकते हो मेंस का 164 है, बट 130 to 150 के आसपास स्कोर होगा। टोटल मैच यहाँ पर 46 हैं, बट सेकेंड विन करने वाली ज़्यादा चांसेस होता है। एवरेज दोनों का आप देख सकते हो, फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग का, तो वही है कि 150 के आसपास यहाँ पे रन बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, विकेट भी करेंगे। अब आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बात करूँ तो प्ले वन के बारे में, यहाँ पर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं बात करूँ आपको तो, जब आपने अभी नहीं खेला होगा तो खेलना स्टार्ट कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, 100% श्योर शॉट है, अच्छा प्लेटफॉर्म है। पहले मैं बात करूं तो आपको 30 रुपया मिलेगा, उसके बाद जो बोनस है वो हेड टू हेड यूज हो जाएगा, चाहे आप किसी भी लीग में आप बोनस को यूज कर पाओगे। रेफरल कोड हार्डी अलेवन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करूं यहाँ पे, आप पेन कार्ड आपका वेरिफिकेशन होगा तभी आपको 30 रुपये मिलेंगे, पेन भी ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन हो जाएगा, आप अपलोड करोगे तुरंत 2 सेकंड के अंदर पेन वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको 30 रुपये कैश बोनस मिलेगा। तो जाइए खेलिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है, जो कि कैश बोनस बहुत कम है कि हेड टू हेड यूज होता, बट यहाँ पर आपको हेड टू हेड यूज होगा। मैं इसका फीचर दिखाऊँगा, आप देख सकते हो यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पर इसका बिल्कुल सेम एज ड्रीम अलेवन जैसा, सब कुछ ड्रीम अलेवन जैसा है। आप अपना वेरीफाई भी यहाँ पे वॉलेट पे जाओगे, जो विड्रॉ होगा वहाँ पे आप जाना, वहाँ पे आपको डालना होगा, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, तो वहाँ पे अपना जो कि पिन वेरिफिकेशन कर लेना, और यहाँ पर अपना जो आप पासवर्ड रहोगे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग में रखोगे, कोई भी होगा आप, जैसे कि यहाँ पे जो भी आपका नाम है राहुल,
राहुल करके उसके बाद एक दो डाल देना तो फिर आपका पासवर्ड ले लेगा। बाकी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अब आप देख सकते हो, मैं दिखाऊं कहाँ पे आपको जाना होगा, तो आप देख सकते हो विड्रॉ होगा, तो वहाँ पर आप जाके आप अपना यहाँ पर क्लिक करेंगे विड्रॉ पे, अपना पैन कार्ड वेरिफिकेशन करा लेना, ऑटोमेटिकली 2 सेकंड में हो जाएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बात करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ तो सुपर नोवास की तरफ से प्रिया पुनिया चमारी अट्टापट्टू जो ओपनिंग कर रही हैं, अगर कोई चेंजेज हो सकता है तो यहाँ पर, हालांकि बैटिंग सेक्शन से कोई है नहीं, बट यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं दिखाना चाहूँ तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो बेंच पर यहाँ पर ज़्यादा कोई है नहीं। मानसी जोशी, अनुरुद्धि रेड्डी एक फास्ट बॉलर एक स्पिनर है। तो चेंजेज सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो सकता, तुहु हो सकती हैं, उसके बाद यहाँ पर पूनम यादव तो नहीं हो सकती, बाकी एक सिर्फ है यही है चेंजेज हो सकता, बाकी मेरे हिसाब से टीम सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएगी। अब यहाँ पर मैं बेहतर बात करूँ तो सबसे पहले प्लेइंग 11 प्रिया पुनिया चमारी अट्टापट्टू जमीमा रोड्राइजर्स लास्ट मैच में 77 इसको बेहतरीन प्लेयर, और यहाँ पर उसके बाद हरमनप्रीत कौर थोड़ा सा डाउन आई थी, उससे पहले सूफी डिवाइन आई थी, अटैकिंग बल्लेबाज हैं। बात करूँ फॉरनर प्लेयर में तो जो इंडिया में बेहतर खेल रही है वो डेनियल एट हैं इनका, उसके बाद यहाँ पर सूफी डिवाइन है, तानिया भाटिया विकेट कीपर सेक्शन है, अनुजा पाटिल हैं, ली तुहू और पूनम यादव, राधा यादव स्पिन को मदद कर रही है। तो आप देख सकते हो राधा यादव 3 विकेट निकाली 2 मैचों में, पूनम यादव 1 विकेट, बट बहुत ही किफ़ायती बॉलिंग कराई है पूनम यादव। उसके बाद अनुजा पाटिल 1-1 विकेट निकाली हैं 2 मैचों में। अब यहाँ पर मैं बेस्ट की बात करूँ तो चमारी अट्टापट्टू जमीमा रोड राइजर्स, आपको कौर भी मिल जाएंगे, सूफी डिवाइन, ये 4 हो गई। आप देख सकते हो फिर से एक बार अट्टापट्टू जमीमा रोड राइजर्स कौर, उसके बाद सूफी डिवाइन 4 और अनुजा पाटिल पूनम यादव, उसके बाद राधा यादव, 7 प्लेयर आपको इस टीम से बेहतर मिल जाएंगे। तो इन्हीं को अपने टीम में रख के कम्बिनेशन बनाइएगा, बाकी मैं एक टीम बना रखा हूँ आपको दिखाऊंगा मैंने क्या कम्बिनेशन रखा है। अब बेंच की बात करो तो चांसेज बहुत कम है, जीतना चाहेगी दोनों टीमें। यहाँ पर विलोसिटी मेरे हिसाब से थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग टीम ये है विलोसिटी, अब देख सकते हो यहाँ पर बैटिंग पर डिपेंड है। यहाँ पर डेनियल एट, उसके बाद यहाँ पर मैथ्यूज़ हैं, मिताली राज जो बेहतर में बात करूँ तो। प्लेइंग 11 सबसे पहले बात करूँ तो हेली मैथ्यूज़ हैं, और उसके बाद यहाँ पे सैफ अली वर्मा है, डेनियल एट है, मिताली राज, वेदा कृष्णमूर्ति हैं, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो शिखा पांडे, अमिला केर, सुषमा वर्मा, उसके बाद जहाना आलम, एकता बिष्ट और उसके बाद जहानजाद। अब मैं बात करूँ यहाँ पे तो मे बी आलम और कोमल की जगह में यहाँ पे दोनों को खिलाया जा सकता है, बट ये दोनों एक आलम आप देख सकते हो यहाँ पे, पर चेंजेज में इस टीम से मेरे हिसाब से सिर्फ और यहाँ पर कोमल होने वाली हैं जो सुश्री प्रधान खेलेंगी, इन्हीं की जगह सिर्फ और सिर्फ एक चेंजेज होगा, बाकी यहाँ पे कोई चेंजेज होने का आसार नहीं है। अब यहाँ पर मैं बेस्ट की बात करूँ तो आप लोगों के लिए सैफ अली वर्मा भी बहुत अच्छा लास्ट मैच लास्ट टू लास्ट में 34 का स्कोर किया था। अब हेली मैथ्यूज़ हैं बेस्ट में, उसके बाद एट है मिताली राज हैं, और यहाँ पर अमिला केर हैं, और आप यहाँ पर रख सकते हो एकता बिष्ट, ये आपके 5 प्लेयर, और सैफ अली वर्मा को भी काउंट कर सकते हो इस 5-6 में, तो 6-1 प्लेयर आपको यहाँ से भी बेस्ट मिल जाएंगे। तो इनको ही अपनी टीम में कम्बिनेशन बनाइए, बाकी फ्रेंड्स मैं एक टीम दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। बाकी आप लोग जो प्ले 1 डाउनलोड कर ही लिए, खेलना स्टार्ट कर दीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पर जो हेड टू हेड यूज हो रहा है, एक बार से इसे आप वहाँ पर खेलिए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं आपको ड्रीम 2 टीम दिखाता हूँ, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो रखा है यहाँ पे तानिया भाटिया को रखा है, और यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर सुषमा वर्मा एक अच्छा बेहतरीन है, तो इनको अपने टीम में रख सकते हो, बट मैं थोड़ा सा क्रेडिट पॉइंट की वजह से यहाँ पे तानिया भाटिया को, मेरे हिसाब से दोनों में थोड़ा सा चांसेज है कि वर्मा का बैटिंग आ सकती है, बट बहुत कम चांस है, इनका ज़्यादा चांस है बैटिंग आ सकती है। अब मैं बैटमैन्स की बैटिंग सेक्शन से मैं बात करूँ तो 4 लिया फिर से जमीमा रोड राइजर्स, उसके बाद डेनियल एट, चमारी अट्टापट्टू, मिताली राज को यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत बड़ी प्लेयर को मैंने छोड़ा है, हरमनप्रीत कौर, वेदा कृष्णमूर्ति, उसके बाद सैफ अली वर्मा, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बात करूँगा सैफ अली वर्मा के बारे में, प्रिया पुनिया, तो आप देख सकते हो 3-4 प्लेयर जो हैं वो चारों ही सारे प्लेयर खेलने वाले हैं। मैं छोड़ रखा हूँ क्रेडिट पॉइंट की वजह से कौर को छोड़ रखा हूँ, बाकी आप चाहो तो अपनी टीम में रख सकते हो यहाँ पर जानबूझ के। मैं सैफ अली वर्मा के बाद बात करूँगा,
ऑलराउंडर के सेक्शन में मैंने सूफी डिवाइन हेली मैथ्यूज का रखा, सिका पांडे को आप रख सकते हो, उसके बाद नटालिया स्काइवर को भी रख सकते हो, कुछ नहीं देवी का विद्या भी खेल सकती हैं, बट सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग में अगर बल्लेबाजी खेल रहे हो तो इसी टीम से आप अपनी टीम में लगा लेना, क्योंकि क्रेडिट पॉइंट बिल्कुल सेम है बल्लेबाजी और ड्रीम इलेवन का, प्ले वन का, सब का। बॉलिंग सेक्शन से चार रखा है, आप देख सकते हो अमिला के रहे, राधा यादव, उसके बाद अनुजा पाटिल, सुश्री प्रधान को मैंने रखा, लास्ट मैच नहीं खेली थी, लेकिन रुको, सुश्री प्रधान अगर नहीं खेलती हैं तो एंड टाइम में हमको करना क्या होगा, सैफ अली वर्मा को रख लेंगे, बेहतर हो जाएगा, बट अगर खेलती हैं तो हमें बॉलिंग सेक्शन से जाना होगा इनके साथ। अगर आप बल्लेबाजी खेल रहे हो तो आप इनको रख के अपनी टीम को क्रिएट कर देना, मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊंगा। बट सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन की बात करूँ तो एकता बिष्ट बेहतरीन ऑप्शन, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट पॉइंट, उसके बाद आप सुश्री प्रधान मेरे हिसाब से खेल सकती हैं। पूनम यादव किफ़ायती बॉलिंग कराई थी लास्ट मैच में, आप चाहो तो रख सकते हो, मेरे हिसाब से ग्रैंड लीग में आपके पास कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी बेहतरीन ऑप्शन है, तो इनको रख सकते हो। बाकी यहाँ पर मेरे हिसाब से जो चेंजेज हो सकता है, कल के मैच में रेड्डी भी खेल सकती हैं, उसके बाद यहाँ पर तुहू का चांसेज कम बन रहा है, उसके बाद आप देख सकते हो इनको भी चेंज किया जाएगा, तो ये कुछ चेंजेज हो सकते हैं। बाकी सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपको रखना होगा तो यहाँ पे सुश्री, यहाँ पे दीपांजलि को रख लेना अपनी टीम में। मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ, कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करेंगे, आप देख सकते हैं सैफ अली वर्मा, अगर ये आप अगर सुश्री खेलती हैं तो आप इनको रख लेना इनकी जगह, आपके पास एक बॉलर सेक्शन से अच्छा हो जाएगा। मैथ्यूज भी बॉलिंग करा रही हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन, यहाँ पर मैंने सूफी डिवाइन को बनाया, वाइस कैप्टन डेनियल एट को बनाया, आपके पास यहाँ पे कैप्टन इनको रख के आप वाइस कैप्टन यहाँ पर रख सकते हो जमीमा लोड राइजर्स चमारी अट्टा पट्टू को या मैथ्यूज को, ये कुछ अच्छे में हैं तो इनको अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो, बेहतरीन है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। प्ले ऑन को डाउनलोड करना, खेलना ना भूले, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, हेड टू हेड बोनस यूज हो रहा है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।